सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं, सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं हिमांशी और ये हैं सारा। सारा, सो हिमांशी, आज हम क्या लेकर आए हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए? आज हम वो चीज़ लेकर आए हैं जो शायद आपको आगे भी काम आए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। कौन है सर? पीएम मोदी हैं यार। अच्छा, पीएम हमारे मोदी हैं। वैसे ये बात किस किस को नहीं पता। बहुत से ऐसे हैं जिसको नहीं पता कि हमारा पीएम कौन है, सीएम कौन है। हाँ, ये बात तो है। हमने एक बार किया था, पब्लिक रिव्यू लिया था, तो उसमें हम तो खुद दंग रह गए थे कि लोगों को ये कौन है और सीएम कौन है। हाँ, पबजी खेलने में सारी नॉलेज रखते हैं और छोटी मोटी चीजों में, लेकिन मंत्रियों के बारे में नहीं पता, अपने देश के बारे में नहीं पता। तो आज हम इसी कड़ी में कुछ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ट्रेलर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के ऊपर फिल्म आ रही है, जो कि विवेक ओबराय ने अपना किरदार निभाया है पीएम मोदी के ऊपर, तो इसका ट्रेलर आ चुका है। आप देखते हैं इस ट्रेलर में क्या है, और क्योंकि ट्रेलर से ही अंदाजा लग जाता है हिमांशी कि फिल्म कैसी है। और ये फिल्म नहीं है, हमारे पीएम मोदी की पूरी कहानी है, उनके जीवन में जितना भी उन्होंने स्ट्रगल किया है वो सब इसमें है। जो पीएम मोदी जी के दीवाने हैं, जैसे कि मैं ये मेरे लिए कहना चाहती हूं। हाँ, मतलब जो भी पीएम मोदी के दीवाने हैं वो तो लगता है, मतलब पूरी भीड़ इकट्ठी होने वाली है, मुझे लगता है शायद सबसे पहले चलेंगे। ठीक है, हाँ चले जाना। ठीक है, हम मैं भी जाऊंगी, देखूंगी क्या है पीएम मोदी जी की कहानी। तो इस ट्रेलर में देखते हैं कैसे विवेक ओबेरॉय ने इस पर फिल्माया है ये रोल, और पीएम मोदी की पूरी कहानी दिखाई है। क्यों हिमांशी? बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग सच में डरे हुए, आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज रात चैनल पे The end of Narendra Modi. एक मामूली चाय वाला इस देश का पीएम बनेगा। सबकी चाय, मोदी की चाय, काका ले लो चाय। ए नरू, तू झंडे को देख के ऐसे क्यों करता है? तू मंदिर को देखकर ऐसा क्यों करता है? मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेना है। सब तैयार? गिरफ्तार करूंगा। है पूरी कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। जब तक हिंदुस्तान की महिलाएं मजबूर हैं, ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। जय जय गर्वी गुजरात। हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। मेरा गुजरात चल रहा है। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं यहां से नहीं हिलने वाला। दरअसल जो डिसीजन एक मिनट में नहीं होता, वो डिसीजन ही नहीं होता। चेतावनी देता हूं मैं पाकिस्तान को, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे। भारत माता की। जबरदस्त हिमांशी, सच में वाओ। वो कहते हैं ना, अगर ट्रेलर इतना अच्छा है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। फिल्म भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो बिकॉज़ ही बनी किसके ऊपर है ये भी तो देख लो। पीएम मोदी के ऊपर, सही है। चलो हम भी देख लेंगे पीएम मोदी की पूरी कहानी। फिल्म नहीं है, लेकिन ये बताया गया है इसमें रियल में कि पूरी लाइफ में उसने किस तरह से स्ट्रगल किया, चाय वाला कैसे पीएम बन गया, ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। यहां तक कि जो कश्मीर में जो
हुआ था हमला उसके ऊपर भी पीएम मोदी ने जो एक्शन करा था दिया था करने के लिए आर्मी को, ये भी इसके अंदर बताया गया जो मोस्टली बंदों को नहीं पता। बिल्कुल, और वैसे भी जब किसी के ऊपर आधारित होती है फिल्म तो मेरे ख्याल से उससे पूरा पहले इजाजत ली जाती है, तो इसमें नरेंद्र मोदी ने अपना सहकार दिया सहयोग दिया होगा कि भाई मेरे पर ये क्या फिल्म बने कैसे। और दूसरा ये भी है हिमांशी कि तुम देखने जाओगी ये फिल्म? बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है यार, क्योंकि मैं भी तो देखूँ ना कि कैसे मतलब एक चाय वाला और पीएम बन गया और हम भी कुछ भी बन सकते हैं यार, अगर हमारे अंदर बन सकते क्यों ऐसे इतना यार, हमारे देश का पीएम सिर्फ मोदी होना चाहिए। नहीं अरे मैं मोदी मैं पीएम बनने के लिए नहीं बोल रही, जब एक चाय वाला मतलब देखो ना कितनी छोटे से एक, सोचो चाय वाला यानी कि हम कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, चाय देना भाई एक ठीक है, और वो मोदी बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते अगर हमारे अंदर लगन हो। मोदी नहीं बन गया, वो पीएम बन गया। हाँ मोदी बन गया मतलब यार मतलब चलो ठीक है पीएम बन गया, मैं ये नहीं कह रही, तो हम क्यों नहीं बन सकते यार, वो क्या पहले से सोच रखा था कि वो मोदी मतलब पीएम बनेंगे? वो सोच के बैठे थे अपने दिमाग में कि मुझे पीएम तो बनना ही बनना है। ठीक है मैं भी सोच के बैठी हूँ मुझे क्या बनना है, क्योंकि मैं भी नहीं सीरियसली यार मैंने सोचा था क्या बनना है, आप सीएम बन जाना। नहीं मुझे सीएम नहीं बनना, मैंने बस इतना ही सोचा था अपनी लाइफ में कि मुझे एक अच्छी एंकर बनना है, और जाहिर सी बात है जो बन गई मैं। सो अपना एम पूरा हो गया और कोई कुछ नहीं है, बस ये चैनल चलता रहे और आप लाइक करते रहो सब्सक्राइब करते रहो और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। पहले ये भी बता देना कि आप इस बार वोट किसे देने वाले हैं? पता है पीएम मोदी को नहीं है, वैसे जरूरी नहीं है कि आप सब पीएम को वोट। प्लीज 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 इस वीडियो के अंदर मुझे ये बस मुझे ना एक पब्लिक रिव्यू लेना है, तो इस ट्रेलर के बाद की बात नहीं कर रही मैं एक पब्लिक रिव्यू लेना चाहती हूँ कि इस बार मोदी जी को कौन कौन वोट देगा, ये मत सोचना कि मैं किसकी साइड हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप हूँ, मैं कांग्रेस के साइड मतलब हाँ हाँ ठीक है ना, मैं कांग्रेस के साइड हूँ अभी ना मैं अभी बीजेपी के साइड हूँ, बस नीचे कमेंट्स चाहती हूँ कि कौन कौन अब की बार मोदी जी को वोट देने वाले हैं, मैं यही से आइडिया लगा लूंगी कौन जीत रहा है। जरूरी नहीं है कि मोदी जी को वोट ही दें, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, आपको पता है कि कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया है, तुम ना वो मत करो, आप दे सकते हो वैसे मोदी। हाँ मतलब हाँ वो ठीक है, कहना यही चाहती हूँ, तुम उनको ये मत कहो कि मतलब वो खाली मतलब मोदी जी को वोट दे, मतलब वो अपना बताएं उनका ओपिनियन पता चलना चाहिए। ठीक है हमें वेट रहेगा, और इस पे तो जो भी मुझे कमेंट्स करेगा उसका हम बाकायदा नाम लेंगे हर वीडियो में और इंटरेक्ट करेंगे, तो आप लोगों का नाम लेंगे और इंटरेक्ट करेंगे कि हाँ भाई इसलिए हमें कमेंट्स चाहिए नाम के साथ कौन कौन मोदी जी को वोट देने वाला है, कौन कौन कांग्रेस को वोट देने वाला है। भैया ऐसा मत करना कि वहाँ जाके वोट लिस्ट में नाम ही चेंज बीजेपी के बदले कांग्रेस को। नहीं यहाँ चाहिए। अच्छा हाँ डरोगे तो नहीं तुम? अच्छा कभी तुम कमेंट से डर जाओगे अभी पीएम मोदी को वोट नहीं देंगे तो लिख दे पीएम मोदी और जाके दे कांग्रेस को, ये चीट मत करना। ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए कुछ खास, तब तक के लिए बाय बाय।